आईपीएल अभी शुरू भी नहीं हुआ है और बीसीसीआई ने कई कड़े रूल्स अनाउंस कर दिए हैं, सुना दिए हैं आईपीएल शुरू होने से पहले, ताकि आईपीएल आसानी से चलता रहे, किसी चीज में रुकावट भी ना आए, ताकि और कोविड प्रोटोकॉल्स या बायोबबल प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन भी ना हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे ही रूल्स की जो बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं आईपीएल शुरू होने से पहले ही, ताकि कोविड प्रोटोकॉल से बायोबबल प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो, एक्सप्लॉइटेशन किसी भी तरीके की ना हो और टूर्नामेंट आसानी से चलता रहे। तो पहला ये रूल ये है कि अगर कोई भी प्लेयर या उसके फैमिली मेंबर एक्सप्लॉइट करता है कोविड प्रोटोकॉल को या बायोबबल प्रोटोकॉल को, तो सबसे पहले अगर ऐसी गलती होती है तो पहली बार तो उस प्लेयर पर एक मैच का बैन लगा दिया जाएगा और उसे उस प्लेयर को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा अपने आप को। दूसरी बार अगर ऐसी गलती होती है तो प्लेयर पर एक मैच का बैन लगा दिया जाएगा। तीसरी बार अगर ऐसी गलती होती है तो टीम से बाहर कर दिया जाएगा उस प्लेयर को, पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर कर दिया जाएगा, या कह सकते हैं पूरे सीजन के लिए बाहर कर दिया जाएगा उस प्लेयर को, और टीम को उस प्लेयर की कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं दी जाएगी। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी फैमिली मेंबर उस किसी भी प्लेयर का एक्सप्लॉइट करता है कोविड प्रोटोकॉल्स को या बायोबबल प्रोटोकॉल्स को, तो पहली बार ऐसी गलती होने पर फैमिली को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा। दूसरी बार अगर ऐसी गलती होती है तो फैमिली को बायोबबल से बाहर कर दिया जाएगा, और जो भी उस फैमिली के रिलेटेड प्लेयर्स होंगे या प्लेयर के जो भी वो फैमिली मेंबर जिन्होंने ऐसा करा होगा, तो उनको उन प्लेयर्स को क्वारंटाइन करना पड़ेगा 7 दिन के लिए। तीसरा रूल ये है कि अगर टीम खुद एक्सप्लॉइट करती है बायोबबल प्रोटोकॉल्स को या कोविड प्रोटोकॉल्स को, तो टीम को 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरी बार अगर ऐसी गलती होती है टीम से तो टीम के 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। तीसरी बार अगर ऐसी गलती होती है टीम से तो टीम के 3 पॉइंट काट लिए जाएंगे। चौथा रूल ये है कि अगर कोई भी प्लेयर बाय चांस कोविड टेस्ट करवाना भूल जाता है, किसी भी वजह से कोविड टेस्ट उसका मिस हो जाता है, तो पहली बार तो उसे वार्निंग दी जाएगी। दूसरी बार अगर ऐसी गलती होती है प्लेयर से तो प्लेयर को 75,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, या उसे या उसकी स्टेडियम में एंट्री बैन हो जाएगी। तो ये थे 4 रूल्स जो बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं आईपीएल शुरू होने से पहले, ताकि आईपीएल स्मूथली चलता रहे, आईपीएल में कोई रुकावट ना आए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।